बड़ी ही दिलचस्प खबर आपके सामने है। ये शख्स जो पानी में तैर रहा है गांव उमरा का बताया जा रहा है। आजकल ये शख्स लोगों में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तैरना एक कला है, लेकिन जिस तरह से ये शख्स तैरता है वो आश्चर्यजनक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये शख्स बिना हाथ पैर हिलाए पानी में तैर रहा है। यही इसकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण है। एक कागज की नाव की तरह, जिसे हम अपनी जबान में किश्ती बोलते हैं, पानी पर बगैर हलचल किए हुए ये शख्स तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे तथ्यों के पीछे साइंटिफिक कारण बताया जाता है। इस सिलसिले में हमने डॉक्टर उमेश मिर्जा से बात की है। सुनिए डॉक्टर मिर्जा क्या कहते हैं। इसके तीन लॉज अप्लाई होते हैं इस पे। इंग्लिश में वो लॉज को बुयोंसी कहते हैं, BUOYANCY, और दूसरा लॉ होता है सरफेस टेंशन। ये सिंपल से लॉज है, मैं आपको इसको समझाऊँ तो ऐसे होता है कि गुब्बारे में थोड़ी सी हवा भरे आप और उसे पानी में डालें तो गुब्बारा नहीं डूबता है। वैसे ही जब आप गहरी सांस लोगे तो आपके फेफड़े पूरे फूल जाएंगे गुब्बारे की तरह, और जब आप सांस रोक लेंगे तो आप खुद ब खुद ही ऊपर पानी पर तैरेंगे। आप हाथ फैला लो और कोई हरकत ना करो, फिर भी आप पानी के ऊपर रहेंगे। ये इक्वल फोर्स होती है, आपकी बॉडी की फोर्स नीचे आती है और पानी बुयोंसी की वजह से ऊपर आपको ढकलता है, तो इसी कारण आप पानी के ऊपर ही रहोगे। ये आपने खुद ट्राई किया है, ऐसा हो सकता है? जी, मुझे ये बहुत अच्छा आता है। मैं अनलिमिटेड टाइम, आप जितना टाइम कहेंगे मैं पानी के ऊपर रह सकता हूँ। और हर इंसान जो सांस लेता है और सांस रोक सकता है, वो बिना डरे पानी के ऊपर सांस एक बार गहरी लेकर रोक कर देखे। लेकिन बहुत से लोग जो है मतलब नहीं रोक पाते हैं और डूब जाते हैं, उसका क्या कारण फिर? उनका कारण है कि डर जाते हैं। आप सांस पहले देख लेके कितनी देर रोक सकते हैं। अगर आप 20 सेकंड रोक सकते हैं तो आप 20 सेकंड सांस रोके पानी में अंदर भी जाओगे तो खुद ही ऊपर आ जाओगे, डरने की बात नहीं है बिल्कुल। अच्छा, एक और लॉजिक पूछना चाहूँगा कि जो एक इंसान जिंदा है और जो मुर्दा इंसान है, उसमें भी डिफरेंस है कि मुर्दा होने के बाद वो खुद ब खुद पानी के ऊपर आ जाता है? पानी में डूब के इसीलिए मरते हैं कि जब इंसान घबरा जाता है तो पानी अंदर अपने सांस के नाली के थ्रू ले लेता है, जिसके कारण फेफड़ों में पानी भर जाता है और वो डूब जाता है। मगर थोड़ी देर के बाद उसके पूरे शरीर में जब पानी फैल जाए तो वो भी पानी की तरह ही हो जाता है, इसीलिए ऊपर आ जाता है। पानी पानी में नहीं डूबता है, तो इसी कारण वो भी ऊपर आ जाता है। मेवात की तमाम अहम खबरों के लिए मेवात टाइम्स टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें।